आपको देश के दूसरे शहरों में भी लिए चलते हैं, जहां इस वक्त दुर्गा पूजा की भव्यता देखते ही बन रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया गया, जहां देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त रोजाना पहुंचते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भोपाल में बना ये दुर्गा पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई इस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से दौड़ा चला आ रहा है। इस पंडाल में देवी दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा के साथ साथ हूबहू रामलला की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले लोगों को खूब पसंद आ रही है। बताया जा रहा है कि रोजाना यहां करीब 3 लाख लोग पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार की थीम श्री राम अयोध्या की थीम पे बनाया है, भगवान श्री राम के थीम पर, और बहुत ही अद्भुत झांकी, बहुत ही सुंदर झांकी बनाई है इनने, और जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मैं साक्षात अयोध्या में, अयोध्या तो अभी तक गया नहीं हूँ अयोध्या, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अयोध्या में ही और श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोपाल की शान है झांकी हमारे, और ये साक्षात दर्शन है, और हमेशा से इस झांकी को हमेशा एक से बढ़कर एक नाम मिलते रहेंगे, और हमेशा विट्ठल मार्केट समाज जो है हमेशा बहुत बड़ की हमेशा झांकी बनाई उन्होंने, कभी पशुपतिनाथ मंदिर भी बनाया है, आज उन्होंने राम मंदिर भी बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छी झांकी और हमेशा हमारे भोपाल की एक शान बन के रही। तो मैं अयोध्या तो नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा अगर भोपाल में अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया है तो मैं जरूर उस झांकी को देखूं, इसलिए मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, और मुझे बाहर से ये झांकी बहुत प्यारी लग रही, तो अंदर से भी बहुत प्यारी होगी। भोपाल की बिट्टन मार्केट में बीते 20 वर्षों से हर साल थीम आधारित दुर्गा पंडाल बनाया जाता है। इसी कड़ी में इस बार आयोजकों ने राम मंदिर की थीम पर ये पंडाल तैयार कराया है। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को कोलकाता से आए 50 कारीगरों ने 1 महीने में तैयार किया है, और इसे बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस पंडाल की खासियत ये है कि ये चारों ओर से एक जैसा ही दिखाई देता है। 20 वर्षों से हम लोग यहाँ पे बनाते आ रहे हैं, हर बार कुछ अलग करने की सोच रहती है और अलग कुछ करते ही हैं हम लोग। इस बार इसके पहले भी हमने श्री राम मंदिर हमने बनाया यहाँ पे अयोध्या का ही, लेकिन डिजाइन चेंज होने के बाद इस बार हमने दोबारा से इसको बनाया। आप देख सकते हैं जो मूर्ति भी है बिल्कुल उसकी बिल्कुल सेम प्रतिमा हम लेकर आए। तकरीबन 4 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, और 1 महीने और पहले से हम ये सोचने में हमारी समिति बैठती है। तकरीबन 350 लोग जो है इसके कार्यकर्ता हैं, और हम सभी यही सोचते हैं कि किस तरीके से नया कुछ लेकर के आए। दुर्गा पूजा को लेकर भोपाल जैसी ही रौनक उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी इन दिनों देखने को मिल रही है। यहाँ की ओल्ड स्टेशन बाजार दुर्गा पूजा समिति ने इस साल कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया है। ये दुर्गा पंडाल 40 फीट ऊंचा और करीब 154 फीट चौड़ा है, जिसकी खूबसूरती ऐसी कि देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह ले। इस पंडाल में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा को 1 किलो सोने और करीब 2 क्विंटल चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां शादी नवरात्रि पर शक्ति और भक्ति के आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं। एक ही जगह पर बने अलग अलग थीम के दुर्गा पूजा पंडाल अलग अलग रंग बिखेर रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडालों में कहीं बद्रीनाथ धाम की झलक देखने को मिल रही है, तो कहीं तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के लोगों को दुर्गा पंडालों में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। लोगों को ये अनोखे दुर्गा पंडाल खूब पसंद आ रहे हैं। मंदिर को ऐसा से खाली
देखिए अनोखे पंडालों की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से भी आई हैं, जहां केदारनाथ धाम मंदिर के रूप में पूजा पंडाल तैयार किया गया। तो इस बार बिहार में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां बनारस के 80 घाट की तर्ज पर रोजाना 6 पंडितों के जरिए मां दुर्गा की आरती की जाती है और इस आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचते हैं। दरअसल बखरी प्रखंड के पुरानी दुर्गा मंदिर में हर साल दुर्गा मेले को आकर्षक बनाने के लिए नए नए पंडाल तैयार किए जाते हैं। इस बार केदारनाथ धाम के प्रतिरूप में पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल समिति के मुताबिक यहां करीब 15 लाख की लागत से केदारनाथ धाम के प्रतिरूप में पंडाल तैयार हुआ है।